ओम गणेशाय नमः। आज हम ये जानेंगे कब और कैसे मनाई जाती है राधाष्टमी। राधा रानी भगवान श्री कृष्ण की प्रेमिका थी और उसके बाद उनकी शादी भी भांडीर नाम की जगह पर ब्रह्मा जी ने स्वयं श्री कृष्ण जी से कराई थी, जिन्हें देवी लक्ष्मी का स्वरूप भी माना जाता है। और सनातन धर्म में और ज्योतिष शास्त्रों के अनुसार भी जो लोग राधा अष्टमी के दिन राधा कृष्ण की पूजा करते हैं उन्हें धन दौलत की कभी भी कमी नहीं होती। राधा अष्टमी भाद्र पक्ष माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाई जाती है। यह त्यौहार कृष्ण जन्माष्टमी के ठीक 15 दिन बाद आता है। इस बार यह त्यौहार 23 सितंबर 2023 को मनाई जाएगी। शनिवार को राधा अष्टमी मनाई जाएगी और इसमें द्वापर युग में इसी तिथि पर देवी राधा भगवान श्री कृष्ण की शक्ति के रूप में अवतरित हुई थी। जो जातक राधा रानी की पूजा करते हैं उनके घर पर श्री लक्ष्मी देवी की कृपा सदा ही बनी रहती है। जन्माष्टमी की तरह ही राधा अष्टमी का दिन भी बहुत ही विशेष महत्व रखता है। ये व्रत विशेष पुण्य प्रदान करने वाला माना जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार इस व्रत को सच्चे मन से करने से राधा रानी भक्तों के सभी प्रकार के कष्टों को दूर कर देती हैं। इस व्रत को करने से राधा रानी के साथ साथ भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। इस दिन सुहागने राधा रानी की विशेष पूजा कर अखंड सौभाग्य की प्राप्ति करती हैं। इस व्रत को रखने से जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है। मान्यताओं के अनुसार राधा रानी की उपासना करने से महिलाओं को संतान सुख की भी प्राप्ति होती है। साथ ही राधा रानी के मंत्रों का जाप करने से मोक्ष मिलता है। ओम गणेशाय नमः। आज हम राधा रानी की कथा सुनेंगे जो कि राधा अष्टमी के दिन सुनी जाने वाली कथा है। पूरे दिन आप व्रत रखें, उसके बाद इस व्रत कथा को सुने, उसके बाद भगवान श्री कृष्ण और राधा जी की आरती भी करें। राधा माता गोलोक में श्री कृष्ण जी के साथ रहती हैं। एक बार भगवान श्री कृष्ण को गोलोक में राधा रानी कहीं नजर नहीं आई। कुछ देर के बाद कन्हैया अपनी सखी विराजा के साथ घूमने चले गए। यह बात जब राधा रानी को मालूम हुई तो उन्हें बहुत ही गुस्सा आया और वे सीधे कन्हैया के पास पहुंची। वहां पहुंचकर उन्होंने श्री कृष्ण को काफ़ी भला बुरा कह दिया। राधा रानी का यह रवैया भगवान श्री कृष्ण के प्यारे मित्र श्री धामा को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। श्री धामा ने उसी वक्त बिना कुछ सोचे समझे राधा रानी को पृथ्वी पर जन्म लेने का श्राप दे दिया। राधा को इतने गुस्से में देखकर भगवान श्री कृष्ण की सखी विराजा भी नदी के रूप में वहां से बहने चली गई। राधा ने श्री धामा से शाप पाने के बाद उन्हें राक्षस कुल में पैदा होने का श्राप दे दिया। राधा जी द्वारा दिए गए श्राप की वजह से ही श्री धामा का जन्म शंखचूड नामक दानव के रूप में हुआ। आगे चलकर वही दानव भगवान विष्णु का परम भक्त बना। दूसरी तरफ राधा रानी ने पृथ्वी पर वृषभानु के घर पुत्री के रूप में जन्म लिया। राधा रानी का जन्म वृषभानु जी के घर में तो हुआ, लेकिन उनकी पत्नी देवी कीर्ति के गर्भ से नहीं। दरअसल जिस समय राधा मैया और श्री धामा ने एक दूसरे को श्राप दिया, तभी भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि राधा आपको वृषभानु जी और देवी कीर्ति की पुत्री बनकर पृथ्वी पर रहना होगा। मनुष्य के अवतार में आपका एक वैश्य से विवाह होगा, वो मेरे अंशावतारों में से ही एक होगा। इस तरह आप पृथ्वी पर भी मेरी ही बनके रहेंगी, परंतु हम दोनों को बिछड़ने का दुख सहना होगा। इसके बाद ही कृष्ण भगवान ने राधा जी को मनुष्य योनि के रूप में जन्म लेने की तैयारी करने के लिए कहा। संसार के सामने वृषभानु जी की पत्नी गर्भवती हुई। जिस तरह एक बच्चा दुनिया में आता है, ठीक उसी तरह ही देवी कीर्ति का भी प्रसव हुआ, लेकिन असल में राधा माता का जन्म देवी कीर्ति के गर्भ से नहीं हुआ था। भगवान की माया से उनके गर्भ में वायु बह भर गई थी। देवी कीर्ति ने उसी वायु को जन्म दिया। उस दौरान उन्हें प्रसव पीड़ा हो रही थी और वहां राधा माता के रूप में एक प्यारी सी कन्या ने जन्म लिया। भाद्र मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी के दिन राधा मैया का धरती पर जन्म हुआ था। तभी से हर साल इस दिन को राधा अष्टमी के रूप में ही मनाया जाता है। बोलो राधा रानी की जय, कुंज बिहारी की जय।